संग्राम सिंह बहुत करीबी रहे हैं दिल्ली में आपके, आपसे जुड़ाव रहा है जी। उनका, तो आप कैसे उनसे मिलना हुआ और क्या आप उनके लिए क्या काम करती हैं? संग्राम सिंह ऐसे ही हम लोग एक पार्टी में मिल गए। क्या हुआ कि दिल्ली में कोई सोशल वर्क के लिए कोई फंक्शन चल रहा था, तो वहाँ मुलाकात हुई, बातचीत हुई। और फिर क्या था, उनका नेचर अच्छा है, डाउन टू अर्थ है, तो लगा कि यार अपने जैसा आदमी है। मैं तो LTG का डायरेक्टर था उस समय, तो उनकी, संग्राम सिंह की थोड़ी एक प्रॉब्लम, क्या कह लीजिए कि एक अच्छे आदमी हैं, तो अपनी जो अंदर कमी है उसको बाहर करने के लिए वो कहीं भी बैठ जाते हैं, कुछ भी करते हैं और कैसे भी बात कर लेते हैं। तो इस तरह वो हमारे थिएटर में, LTG में आते थे, बैठते थे, स्क्रिप्ट रीडिंग करते थे। और मेरे जितने भी नाटक, वो जब से मेरे साथ जुड़े, हमारी रोज़ बात होती थी। हम लोग घूमने जाते थे, लोधी गार्डन में टहलते थे दोनों लोग, दौड़ लगाते थे रोज़ रोज़। और ऐसे वो थिएटर में आते थे 4 बजे और बैठ के 1-2 घंटे हमारे साथ रीडिंग करते थे और अपनी समस्याओं पर हमसे तो सवाल आप जवाब। तो संग्राम सिंह को बेहतर जानते हैं, पहले से भी जान रहे हैं, तो अभी तो संग्राम सिंह बिग बॉस में दिख रहे हैं, तो संग्राम सिंह और उसमें क्या अंतर, या सेम पर्सनालिटी है, ये या कुछ ही गेम खेल रहे हैं इधर? संग्राम सिंह गेम क्या खेलेंगे? संग्राम सिंह दो चेहरे हैं, ये सत्य है कि वो जैसा दिखता है वो ऐसा है नहीं, लेकिन कुछ हद तक सही है इंसान। वो भगवान को भी मानता है, हम लोग साथ में मंदिर जाते थे। कुछ बातें वो झूठ बोल देता है, क्योंकि किसी के जहन में कोई भी सत्यवादी हरिश्चंद्र तो बन नहीं सकता। वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए या अपने आप को समाज को दिखाने के लिए वो कुछ चीज़ें करते हैं। हमने भी साथ में बहुत सा वक्त बिताया है, बहुत सी बातें जानते हैं उसके बारे में। और क्या बोलें कि ठीक है, अच्छा कर रहा है, अच्छा खेल रहा है, और क्या कहें। तो आपकी शुभकामनाएं कि वो जीते। नहीं, शुभकामनाएं तो मेरी हमेशा उसके साथ है, संग्राम सिंह ही जीतेगा, ये भी मैं बात बोल रहा हूँ, संग्राम सिंह ही जीतेगा। लेकिन संग्राम को बिग अब बॉस से कोई सेटिंग तो आपकी नहीं कि आप संग्राम सिंह ही जीतेगा नहीं, फिर? नहीं मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक इंट्यूशन है कि संग्राम सिंह ही बिग बॉस जीतेगा। और संग्राम सिंह ये जीत जाता है तो उसको अपने कुछ जो आइडियोलॉजी है उसको चेंज करना चाहिए उसे। और क्या होता है, कभी कभी आपने बिग बॉस देखते हो, वो बहुत जल्दी हड़बड़ा के बोलने लगते हैं। वो बोल जाता है लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि वो बोल क्या गया है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं। आपके तो आपके दो लोग जो आप, जैसे आपने बोला कि अन्ना आंदोलन से भी आपका जुड़ाव, अरविंद से भी और संग्राम सिंह से, और दोनों के दोनों आदमी मतलब अभी अपने पिक पे हैं, हाँ अरविंद वहाँ CM बन गए केजरीवाल और आप पे संग्राम सिंह बिग बॉस जीत रहे हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए लकी माने जा नहीं सकते। मैं क्या लकी हूँ, सब अपना अपना लकी। देखो, सबकी अपनी अपनी किस्मत, यहाँ कोई किसी का लकी और ना लकी नहीं होता। वो मेहनत कर रहे हैं, सीनियर हैं हमसे 4 साल अपने कैरियर में, कह लो दिल्ली पुलिस में थे बेचारे, और वहाँ से अपना कैरियर शुरू किया, फिर गोल्ड मेडल, फिर उनकी एक गर्लफ्रेंड बनी जो पायल रोहतगी, बहुत से सफ़र तय करते वो आए आगे। और अच्छी चीज़ है कि एक अभी भी वो इंसान डाउन टू अर्थ है, आज भी उसी तरह बात करता है, चंदू भाई कैसे हो, क्या है, और सबकी सुनता है। कर किसी के लिए पाए या ना पाए वो अलग बात है, वो हर एक इंसान की अपनी अपनी मजबूरी होती है, वो क्या करता है अपने लिए करता है। लेकिन संग्राम बिग बॉस में अच्छा कर रहा है, और भी कंटेस्टेंट हैं जो कुछ कर रहे हैं, बट ठीक संग्राम है, जीतेंगे। जीतेगा संग्राम।